अच्छा देखो दो दो प्लेटें देखिए तुमने कहीं, और देखो भाई इसका ना एक्सल वगैरह खराब हो गया, वो देखो वहाँ पड़ी हुई है साइकिल। चलो इसको डालते भाई, चढ़ाओ चढ़ाओ, अगर टायर खुला रहता तो चल 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 चल। अब देखो भाई भाई ये दार, ये लो ये चेक करो मस्त लग रही है भाई मेरे को तो, ये एक नंबर। तो भाई ये लिया मैंने आईफोन 13 गाइस, फैट बाइक के अंदर एक दिक्कत आ गई, ये चेक करो यार इसका ना ये वाला टायर देखो ये पूरा चिपका हुआ है। तो हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भाई दो दिन बाद हो रही है, आज का ब्लॉग मतलब गुड मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं हो रहा, आफ्टरनून में स्टार्ट हो रहा है। अभी बज रहे एक और जस्ट नाउ अभी भाई तुम्हारा भाई नहा धो के रेडी हुआ है, चेक कर लो भाई आज का लुक। एंड मैंने एक जैकेट डाल ली, टी शर्ट डाल ली, बाकी भी मैं आप लोगों को बताऊं। एंड अभी कुछ दोस्त यार आ रहे हैं भाई मिलने के लिए, तो अभी उनके पास भी चल रहे हैं। एंड जस्ट नाउ अभी जूते वगैरह पहनते और फिर निकलते घर से। मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूं छोटा सा, खुशी की ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैंने सोचा था कि भाई उसको भी ना ब्लॉग के अंदर रखेंगे। तो अभी जस्ट वो स्कूल से आई तो वो सोई पड़ी है, बाकी कोई नहीं। एंड मैं आप लोगों को चेक कर रहा हूं अपनी ये रेड बीस्ट को, देख लो भाई क्या हालत हो रही है इसकी। एंड इस पर कपड़े वगैरह डाल रखे, कच्चे डाल रखे, तो अभी भी धीरे धीरे करके इसका भी काम वगैरह कराएंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ कि एक साइकिल गिव अवे कर दूँ, एंड ये वाली तो नहीं कर सकता, बाकी भी देखेंगे कौन सी। एंड बुल्क भी अंदर खड़ी है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बुल्क कहाँ पर। तो भाई ये चेक कर लो यार, बुल्क भी अपनी यहाँ खड़ी हुई, इसका भी रैप वगैरह थोड़ा सा हट गया, कोई नहीं अब धीरे धीरे करके सारा काम भी कराएंगे। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे मेरे भाइयों की, कह रहे थे भाई बुल्क को लेकर आओ वीडियो के अंदर, भाई बुल्क आएगी वीडियो के अंदर कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी फिलहाल निकलते हैं, जूते वगैरह वेयर करते हैं, और जो दोस्त यार आ रहे हैं ना उनसे भी मिलते हैं। एंड गोप्रो भी अभी मैंने चार्ज पे लगा रखा था, तो जस्ट ये भी एकदम चार्ज हो चुका है फुल। एंड मेरे को बस एक चीज याद नहीं आ रही कि यार मैंने हेलमेट पता नहीं कहाँ साइकिल के अंदर रख रखा है यार, मेरे पास ही था, बिकॉज मैंने पूरा घर देख लिया। एंड देख लो भाई पूरा घर मैंने बिखेर दिया, बट हेलमेट नहीं मिला मेरा भी। तो अभी मैं देखूंगा वहाँ पे जाके गोदाम पे जहाँ पे मेरी साइकिल वगैरह खड़ी होती है, तो भाई अगर वहाँ पे होगा ना तो वहाँ से लेते हैं हेलमेट, बाकी हेलमेट मिल जाना चाहिए भाई, बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं। और यार मैं तुम्हें एक चीज और चेक करा दूँ, एंड ये देखो भाई बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई आईफोन कौन सा लिया, तो भाई ये लिया मैंने आईफोन 13, एंड इसका बॉक्स ये रहा और जिसे शूट कर रहा हूँ वही है। तो अभी देख लो भाई, एंड ये आप लोगों का प्यार सपोर्ट सारी चीजें है, पता नहीं सपोर्ट करते रहो, बिकॉज तुम्हें भी ब्लॉग चाहिए इस चीज के लिए, तो भाई ब्लॉग तो आएंगे। बाकी अभी चलो एंड जय माता दी, चलते हैं निकलते घर से, लेट्स गो, गोप्रो उठाते एंड शूज वगैरह वेयर करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज ये वाले शूज डाल, तो भाई आज ये वाले जूते वेयर कर रहे हैं, एंड मतलब इसमें ना हैवी हैवी लुक आती है। तो एक बार कमेंट करके बताओ भाई आप लोगों को जूते कैसे लग रहे हैं। तो फिलहाल अभी चलो निकलते यार यहाँ से, एंड यार बस ना हेलमेट मिल जाए, मेरे को हेलमेट की टेंशन हो रही है, अगर हेलमेट खो गया ना तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल तो निकलो, एंड बार बार कॉल भी आ रहा है, चार मिस कॉल आ चुके हैं दोस्तों की, तो तुम्हें पता भाई मैं गोली देने वाला, मतलब मेरे को गोली के नाम से ही रख दिया इन्होंने कि भाई तुम हर समय धोखा देते रहते हो। तो वो जो दोस्त यार आ रहे हैं ना बाहर से हैं थोड़ा, और गोदाम का रास्ता देख लो भाई कैसा है, मतलब इधर ना अंधेरा अंधेरा होता है, मेरे को ना यहाँ डर लगता है कि भाई यहाँ पे ना कुत्ते वगैरह भी होते हैं, और कभी भी भाई देखो ये देखो कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे, और डॉग वगैरह भी होते हैं भाई, मेरी ना थोड़ी सी फट जाती है यहाँ पे आते आते। अभी देखना मैं जैसे ही पहुँचूंगा एक ना एक कुत्ता भोगता हुआ मिलेगा। तो ये भैया वगैरह यहाँ पे काम करते हैं। हाँ मंटू भैया क्या हाल चाल है, हाँ ठीक हो, कुत्तों का समझा ले यहाँ से, अबे वो कुछ सही वाले कुत्तों को। एंड अभी मोंटू भैया आ गए वीडियो के अंदर, कह रहे वीडियो बना रहे हैं, मैं खोल रहा हूँ वो क्या पकड़ा दिए, एक चीज दिखाऊं। मामा बढ़िया थी ना, ये बहुत बढ़िया चीज दी उसने, तो चाबी भी रख ली तूने। चलो अभी चलो यार निकालते साइकिल, फोन पे फोन आ रहे हैं, 8-10 कॉल आ चुकी है मेरी 5 मिनट के अंदर। तो भाई ये गेट खोल रहा है, चल भाई आओ, क्या हाल है मामा, मंदिर जाएगा आज, आज नहीं ट्यूजडे, हाँ ट्यूजडे ट्यूजडे। तो अभी देखो भाई अंधेरा हो रहा है यार, बढ़िया देख लो अब गोदाम के अंदर, अब देखते कौन सी वाली साइकिल निकालेंगे, मैं सोच रहा हूँ लिमिट निकाल लूँ। चलो यार मैं सोच रहा था हेलमेट नहीं होगा यहाँ पे, बट हेलमेट देखो फैट बाइक के अंदर ही लगा हुआ है। चल ठीक है, तो भाई ये लिमिट निकाल रहा है, आज आ जा लिया दिया दिया भाई, फैट बाइक लेके चल रही है, कह रहा मैं लिमिट चला रहा, मैं सोचा था कि लिमिट लेके आऊँगा लेकिन इसको लिमिट बढ़िया लगती है। चल ठीक है बाय बाय, है ना। चलो यार एक टेंशन तो खत्म हुई कि हेलमेट अपना इसके पास ही है। तो यार फैट बाइक को भी बाहर ही निकाल रहा था, बट एक दिक्कत आ गई इसके अंदर, एंड मैंने जब खड़ी करी थी ना तो ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस, फैट बाइक के अंदर एक दिक्कत आ गई, ये चेक करो यार इसका ना ये वाला टायर देखो ये पूरा चिपका हुआ है, ये पूरा साइड से, मेरे हिसाब से या तो किसी ने साइकिल निकाली होगी चलाई होगी, और या तो पलटी वल्टी है ये स्टॉपी में, अब लेके चलनी पड़ेगी स्विस मिलिट्री। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपना फैट बाइक को नजर सी लग गई है, तो देखो भाई गियर वाला सिस्टम भी खराब हो गया, और साथ साथ इसका टायर भी देखो यार प्रॉपर पूरा का पूरा, यहाँ से देखो कितना गैप है और यहाँ देखो पूरा का पूरा चिपक गया यार। एंड यार ये सारी चीज़ें ना मेरे को बहुत बुरी लगती है, मेरे हिसाब से यार किसी ने पीछे से साइकिल निकाली है और फिर हुआ ये सीन, बाकी कोई नहीं यार। एंड अब ये वाली प्लेसी निकालते हैं भाई इसको स्विस मिलिट्री को। चल ठीक है बाय बाय, अरे हाथ नहीं मिलाएंगे, चल ठीक है उस्ताद बाय बाय। एंड चलो यार निकलते हैं, एंड अब आ रही है सही वाली लैंग्वेज, बढ़िया वाली, फेक वाली नहीं ये रियलिटी है भाई, अभी देखना थोड़े दिन के अंदर रियलिटी क्या होती है, रियलिटी चेक बस स्टॉप पे मिलेगी। ये देखो मुस्कराया, बाकी चलो निकल गई बाइक, एंड हेलमेट मेरा उसमें ही रह गया, हेलमेट लेकर आते हैं। तो
तो यार ये निकाल ली अपनी बाइक, तो जो अपनी मतलब फैट बाइक में हुआ है ना सीन, वो भैया चला रहे थे, कह रहा भाई मेरे से पलट गई वो। मैंने कहा चल कोई नहीं भाई, एंड अभी लेके चलो ये निकलते हैं, भी ले लिया गोप्रो सेटअप लगाते हैं। तो भाई ये लग गया अपना गोप्रो सेटअप एंड निकलते हैं चलो यार यहाँ से। भाई स्विस मिलिट्री की राइड आज हो रही है, कम से कम संडे राइड को लेके गया था मैं इसको बस, उसके बाद आज लेके चल रहे हैं। और भाई गोप्रो सेटअप की तो अलग ही बात है, आई होप कि आप लोगों को आगे से हैंडल वगैरह दिख रहा होगा। जो फ्रेंड वगैरह है ना आगे वाले पेट्रोल पंप पे ही खड़े हुए हैं, तो काफी टाइम बाद आ रहे हैं। और भाई चेक करो यार ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, फाइनली यार पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। और भाई कैसे हो? बढ़िया। कहाँ है वो? वहाँ पे आजाद मार्केट में बोल रहे हैं, रोहित भाई को लेके आओ वहाँ पे, वहाँ चलना है आजाद मार्केट। उनका जो ना साइकिल में जो ना पीछे के एक्सल टूट गया, वो डलवा रहे हैं। एक्सल टूट तो यार अभी ना एक्सल वगैरह टूट गया भाई, तो उधर ही चलते। काफी टाइम बाद ना भाई इस वाली ढलान पे चलेंगे भाई, बहुत मजा आता है सच बता रहा हूँ। एंड स्पीड तो भाई 50-50 प्लस ही हो जाती है, इससे पहले भी भाई मैंने जब मैंने मीटर लगा रखा था तब भी 50 प्लस स्पीड गई थी इस पे। चले बगाए चलो देखते भाई, बैड भाई घर पे यार खराब हो रही है थोड़ी सी, ये चेक करो भाई, ये देखो भाई बढ़िया। चलो चलो निकालो 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 गाइस निकलते, ये ओहो भाई 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 ये मजा आता है भाई, जो साथ में राइड वगैरह हो ना ऐसे रोड पे तो अलग ही सीन बन जाता है। क्या कर रहे हो भाई बंदे को मास्ट एंड भाई, अपनी स्विस मिलिट्री के ना ब्रेक वगैरह भी बहुत हैवी है, बढ़िया है, तो कंट्रोलिंग तो आराम से है, बट इसके टायर वगैरह थोड़े से पतले हैं ना, तो मतलब कभी भी ये स्लिप हो सकती है, इसलिए ज़्यादा लीन भी नहीं करनी। बट ये है कि कटिंग वगैरह तो चलेगी यार, कटिंग के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। ओ नहीं 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 उतना नहीं है, चलो 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 निकालो भाई, मज़ा आता है भाई साथ में राइड करने का, मज़ा ही अलग है। एंड ये चेक करो भाई, ये बंदा बढ़िया राइड कर, ओ हो कुछ हो गया भाई, गाड़ी वाड़ी ठोक दी भाई, वगैरह डिले वगैरह हो रहे हैं ना, तो बस थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहा हूँ यार येलो डॉलर को लेके, बट और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, बंदा भगा रहा है आगे निकला आ जा, तो देखते भाई बाद में बात करेंगे येलो डॉलर वाली, बाकी देखते भाई इलेक्ट्रिक लग रही है मेरे को ये, हाँ हाँ मज़ेदार, पर हमारी इलेक्ट्रिक से कम थोड़ी नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक है। अच्छा कितनी भागती है, कितनी भागती है? तो भाई पीछे पुलिस वाले सर की जिप्सी आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाए वो पहले, वरना बाल तुम्हें कोई बात बात बोल देंगे अच्छा नहीं लगता ना। तो चलो भाई साहब क्रेजी गर्ल्स रिएक्शन, कितने की पड़ी? अच्छा अभी नहीं छोड़ पाओगे? नहीं ना भाई, डर लगता है भाई। अच्छा डर लगता है, अरे हाँ भाई सही बात है यार, ये बात तो बहुत बढ़िया बोली आपने, मेहनत मेहनत से ली है भाई, सही बात है। तो चलो यार यहाँ पे रुक जाते हैं भाई, यार जो भी है ना पता नहीं कहाँ पे एक्सल वगैरह लगवा रहे हैं, तो अभी इधर ही रुकते हैं यार, अभी यहाँ लगा दी बाइक, बाकी अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं उनका। बाकी हेलमेट कैसा लगता है तुम्हारे भाई पे एक बार कमेंट करके बताना, ठीक बढ़िया लगता है नहीं लगता एक बार देख लो, सही है ना? मस्त है भाई। तो चलो आ जाए वो लोग भी, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो यार ये पूछ रहे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड क्या लगता है? हाँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड होगी, नहीं है सच में, नहीं तुम बताओ होगी या नहीं होगी? मुझे तो लग रहा यार होनी चाहिए। अभी नहीं है भाई, सही में भाई मेरी बंदी नहीं है सच में, अगर है कोई है सिंगल है तो मेरे को सेटिंग करा दे। बाकी तेरे उधर से फॉलो किया था मुझे किसी लड़की ने, कौन थी वो, किसकी बंदी थी वो? अच्छा एक दोस्त आ रहा है मतलब वो भी साथ का ही है, उसकी बंदी ने मेरे को फॉलो किया था, तो मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई मेरे को क्यों फॉलो किया, कह रहा है पता नहीं, आइडिया नहीं है तेरे को? आइडिया नहीं है क्यों फॉलो किया था, उससे पूछिए एक बार भाई। देख अगर फॉलोअर देख के, अगर मेरे नंबर देख के तुम फॉलो कर रहे हो ना, तो फिर वो मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूँ फिलहाल, अभी वेट करते हैं आ जाए। दिखाना भाई कौन सी है, कितने की है? 2200 रुपए का सेट है। कितने कितने की दोगे? कैसे आइडिया, एक पैंट का रेट क्या दोगे? क्या भाई पहली बार देखा है? किसको? तो भाई अभी निकल गए यार वहाँ से एंड सीधे चल रहे भाई जहाँ पे उसकी साइकिल ठीक हो रही है, बहुत देर हो गया था वेट करते करते, वो कह रहा भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने कोई नहीं भाई चलो 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 चलो। तो यार पहुंच गए एंड जहाँ पे साइकिल वगैरह ठीक हो रही, तो यार ये चेक कर लो भाई, देखो सबसे पहले साइकिल नहीं चेक करा रहे, देखो दो दो प्लेटें देखी है तुमने कहीं, और देखो भाई इसका ना एक्सल वगैरह खराब हो गया, वो देखो वहाँ पड़ी हुई है साइकिल, तभी चेक कराऊं भाई मैं तुम्हें क्या हो रहा है इसके अंदर, एंड इसका बदलना पड़ेगा, चूड़ी टेढ़ी पकड़ रही है इसकी, हब जाना बदलना पड़ेगा, तो हब खराब हो रहा है इसका कह रहे हैं, तो देखते भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस अभी देखो भाई फिलहाल तो इसकी साइकिल की हालत ही भाई, ये चेक कर लो यार दो दो प्लेटें लगा रखी पहले तो इसने, और साइकिल की हालत देखो क्या हो रही है, इसका हब वगैरह खराब हो गया, एक्सल टूट गया वहाँ पे, एक्सल लग रहा है, तो देखते भाई कितना टाइम लगता है। तो भाई जो ये मतलब बंदा जो काम कर रहा है ना, इसको काम करना नहीं आ रहा ढंग से, अब कह रहा है हब चेंज करना है, पहले कह रहा था फ्रेबिल चेंज करनी है, फ्रेबिल भी चेंज कर दी, बाकी अब देख रहे भाई अभी जुगाड़ कर रहे हैं, सोच रहे सीधा शकील अंकल के पास चलते, अभी जो भी दिक्कत होगी ना वहीं जाके ठीक करा लेते हैं, तो अभी रिक्शा वगैरह देखते भाई, गिरा दिए तो उठा तो दो कम से कम,
तो यार यहाँ से रिक्शा तो कर लिया, घंटे 50 रुपए में हुआ, सही है, मतलब सस्ते में ही हो गया। ये भी इसके साइकिल ले आके डालते हैं उस पर। चलो यार अपनी बाइक भी गिर गई यार, ये दिमाग खराब हो रहा है। चलो भाई ये डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, अभी ये मरी पड़ी है एकदम, एंड रिक्शा तो लग गया। चलो इसको डालते भाई, चढ़ाओ चढ़ाओ, अगर टायर खुला रहता तो और ओ सॉरी अंकल भाई, ये टेढ़ी जाएगी, ऐसे ऐसे चली जाएगी। चल भाई एक बंदा बैठ गया भाई, साइड देख के चलना ठीक है। चलो यार साइकिल इसकी डाल दी, अब अपनी बाइक लेते हैं निकलते हैं सीधा साइकिल मार। यार साइकिल तो डाल दी उसके अंदर रिक्शे में, अब निकलते हैं यहाँ से। चल 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 चल, अब देखो भाई भाई ये दार, ये लो ये चेक करो भाई ये, अब निकलेंगे भाई मस्त। वो भाई साहब ये अभी जाके ना आगे रिक्शा पकड़ लेते हैं और आराम से पहुँच जाएंगे हम भी। भाई बोल दिया साइड देख के चलेगा, है ना भाई, साइड देख के चलना। ये नहीं 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 भाई, मैं सोच रहा था पकड़ लूंगा भाई, देखो साइकिल उसके अंदर जा रही है। तो भाई डर पता है क्या लग रहा है, कि गलती से ना साइकिल किसी चीज में ना लग जाए, और बंदा भगा भी रहा है, और वो देखो कटिंग कैसे मार रहा है यार ये। अरे यार गलती से ना थोड़ी सी लग गई भाई, साइड देख के चलो यार। भाई कुछ नहीं हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। फाइनली यार काफी टाइम बाहर साइकिल मार्केट में एंट्री कर रहे हैं यार, बुलबुल का भी काम कराना है तो भाई शायद कल आएंगे। तो यार अभी आगे साइकिल मार्केट शकील अंकल की शॉप, अंकल तुमसे प्यार हो गया। तो चलो यार प्यार और क्या है, और क्या अंकल, ये क्या है, ये क्या निकाल लिया तुमने। चलो कोई नहीं भाई, अभी देखते भाई, ये देखो यार इसका एक्सल वगैरह टूट गया, कर दो यार इसका काम बेचारे का, 1.5-2 घंटे का परेशान है। तो इसने खोला क्यों है? खोला नहीं, खुलवाया किसी से, तो क्या प्रॉब्लम, उससे लगी नहीं रही थी वो, फ्रेविली नहीं लग रही। और भाई एक ना आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है, शकील अंकल ने मेरे को आते ही बताया कि भाई एक ना नई चीज आई हुई है, कि शकील अंकल के पास ना नई नई साइकिलें आई हुई है, जो आप लोगों को ना कोई भी प्राइस होगा, मतलब मार्केट के प्राइस से ना 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये माइनस करके तुम्हें वो साइकिल मिल जाएगी। बिकॉज अभी आती है वो सारी साइकिलें, मैं आप लोगों को दिखा, ब्रांड न्यू साइकिलें हैं। तो तुम्हें पता भाई शकील अंकल हमें इतना सपोर्ट करते हैं, तो इतना सपोर्ट करना बनता है। तो जो जो भाई है ना, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा मैं आप लोगों को, आ जाए। तो ये चेक कर लो भाई, ये देखो ये वाला नंबर है, यहाँ आके ना तुम देख लेना ठीक है, शकील मिस्त्री। कितने मेरे लिए बना रखी है? अच्छा भाई, भाई ने ना साइकिल बना रखी है मेरे लिए, कौन सी वाली चलाऊं बताओ। अच्छा ये सारी अपनी ही है। चलो चलो चला के देखते हैं, चलो पहले ये वाली चलाते हैं। तो भाई ये वाली साइकिल चेक कर लो, एंड ये वाली चलाते हैं, देखते कैसी चल रही है, एक बार बताना भाई कमेंट करके कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है? हाँ बढ़िया लग रही है एकदम। बोला जो शकील अंकल बता रहे हैं वो नीचे गए हैं, जैसे आते हैं ना मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलो यार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन कौन सी साइकिल है, एंड एकदम ब्रांड न्यू साइकिल है, तुम्हें 1000 रुपए कम में ही मिल जाएगी। मतलब मार्केट में अगर 6000 की मिल रही है तो यहाँ आके 5000 की मिल जाएगी। तो मैं सच बताऊँ, ये देखो ये सारी ब्रांड न्यू साइकिलें खड़ी हुई है, और मार्केट से ना 1000 रुपये कम में ही मिलेगी। और बताओ, और अगर हो सकेगा ना, जो भी हो सकेगा, अगर मेरा नाम लेकर आते हो ना आप लोग, तो और भी सस्ती मिल जाएगी। एंड ये देखो भाई छोटे बंदों के लिए भी बढ़िया है, ये एक नंबर लग रही है, आ रही है एक बच्चे देखें भाई, ये चेक करो यार, इसमें पैंडल वगैरह अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ, सोचो न्यू की न्यू बाइक है, मस्त लग रही है भाई मेरे को तो, ये एक नंबर। बाकी अगर आप लोगों को पसंद आ रही है कोई भी आके ले जाओ, एक साइकिल उधर भी खड़ी हुई, सारी क्रॉस कंपनी की साइकिल है, और साइज भी इसके अंदर सारे के सारे हैं। तो जिसको भी परचेज करनी हो आओ ले जाओ 1000 रुपये सस्ते में। शकील अंकल से पूछ लेते हैं, अंकल मैंने साइकिलें दिखा दी, बताओ उसके लिए क्या डिस्काउंट है? फुल 2000 पर साइकिल। 2000? बस मैं तो 1000 बोल रहा था, तो 2000 बोल दिया। 2000 पक्का? चलो भाई 2000 रुपये कोई भी, मतलब कोई भी साइकिल, जायज रेट है ना मार्केट से, मार्केट से करो 2000 कम। चलो भाई बढ़िया, आ जाओ यार ले जाओ। तो यार इसकी साइकिल में ना बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें हब वगैरह सारी चीजें लगी। तो अभी फिलहाल तो भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि भाई अंधेरा भी हो चुका है। तो फिलहाल तो अभी चलो इनका काम होता है, अभी कम से कम अभी 5-6 बज रहे, तो भाई 5:30 बज रहे, अभी 7:30 बजे तक इनका काम कम्प्लीट हो पाएगा। और साइकिल आके परचेज कर लेना, मैंने नंबर भी दे दिया, कॉन्टेक्ट कर लेना आराम से। सो गाइस फाइनली यार पहुंच चुके थे घर पे, फिलहाल तो चलो अभी निकलते भाई सीधा घर पे, और आज भाई हो सकेगा तो मैं मम्मी मम्मी से भी मिलवाऊंगा, वरना ये वाला ब्लॉग इधर ही खत्म हो जाएगा। बाकी अभी ब्लॉग कर देते भाई यहाँ पे, एंड अगर हो सकेगा तो भाई मम्मी वगैरह सबसे मिलवाऊंगा अभी आपको।